नाट्य दल के निदेशक गुलाम हसन खान ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि संस्था द्वारा 3 दिवसीय नुक्कड़ नाटक के समारोह का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर को शहर के विभिन्न चौराहों पर अलग अलग समय पर किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह के पहले दिन 23 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे चेतना तिराहे पर, 24 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे आर्यनगर तथा अंतिम दिन 25 अक्टूबर सोमवार को 8:30 बजे सुबह आजाद चौक पर नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्था के निदेशक गुलाम हसन खान ने कहा, गुलाम हसन खान नाट्य दल गोरखपुर का नुक्कड़ नाट्य समारोह है। ये जनता को जागरूक करने का उद्देश्य ये हम कर रहे हैं और इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो डेंगू पे पूरा नाटक हमारा केंद्रित होगा और साथ साथ पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण से कैसे कैसे तमाम सारी चीज़ें दूषित हो रही हैं, उसे हम कैसे बचें, उस पूरे नाटक में हम उसके डेंगू के क्या लक्षण हैं और क्या उसके बचाव हैं, ये सारी चीज़ें उस नाटक के माध्यम से दिखाएंगे, जिसमें गोरखपुर की, लखनऊ की और बरेली की टीमें पार्टिसिपेंट करें। सबसे पहला प्लेस है 23 तारीख को चेतना तिराहे पे शाम को 4:30 बजे और 24 तारीख को है सुबह अली नगर चौराहे पे 8:30 बजे और 25 तारीख को है आज़ाद चौक पे सवेरे 8:30 बजे। इस जगह जो आप चयन किए हैं उसका क्या मकसद है, इस तरह का नहीं, उसका उद्देश्य ये है कि चूँकि जन जागरूकता का जो ये हमारा कार्यक्रम है वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से होते हैं और सुबह सुबह होते हैं और ख़ासकर उस में से आते हैं जिनको जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गांव से आते हैं, वहाँ एक जो कारीगर है उनका एक वो भी लगता है वहाँ, इसलिए उनको ज़्यादा जागरूक करने का उद्देश्य है।